हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड एंड फोर्थ की जो इंग्लिश ग्रामर है उसके एक वर्कशीट देखने वाले हैं तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद हैव हैज एंड हैड आपको या तो जो ब्लैंक है उसमें हैज फिल करना है हैव फिल करना है या फिर हैड फिल करना है हैज हैव और हैड के ऊपर इंडिविजुअली मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कैसे हम यूज़ करते हैं क्या इनके रूल्स हैं किस कौन से वर्ब के साथ कौन सा जाता है सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं मैं उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप इंग्लिश की प्ले भी खोल देख सकते हैं चैनल के दूसरे वीडियोज़ के लिए तो ये देखते हैं इसमें आई डैश अ न्यू आइडिया फॉर माई प्रोजेक्ट तो आई हैव यस्टरडे दे डैश नो फूड टू इट दे हैड आई डैश अ पैट बर्ड एट होम बट इट फ्लू अवे तो हैड आई हैड ए पैट बर्ड एट होम बट इट फ्लू अवे देखिए यहां पर पास् सो वी आर यूजिंग हैड हेयर द चाइल्ड डैश अ सॉफ्ट पिलो Child has Amit and Ranjan have many pets. Last month they dash a great holiday. They had okay. तो सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम past टेंस की बात करते हैं पहले की कोई बात करते हैं येस्टरडे लास्ट ईयर लास्ट मंथ लास्ट नाइट तो उस समय हम हैड यूज करते हैं हैड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हम यूज करते हैं हैव और हैज के लिए अलग अलग रूल्स हैं हमारे जो सिंगुलर नाउंस हैं उनके साथ हम हैज यूज करते हैं और जो प्लूरल्स हैं उनके साथ हैव यूज करते हैं आई और यू के साथ भी हम हैव यूज करते हैं नेक्स्ट देखिए चूज द करेक्ट वर्ब अब दो ऑप्शन है आपके वर्ब के लिए वर्ब पे भी इंडिविजुअली बहुत से वीडियोस हैं वर्ब में आप टेंस देख लीजिए या फिर सिंपल वर्ब वर्ब के बेसिक वीडियो से लेके बहुत सारे वर्ब के इंडिविजुअली वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे आप वो देख सकते हैं यहां देखिए दो ऑप्शंस हैं आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है टपन डैश प्ले uh, play या प्लेस विद हिज सिस्टर तो यहां आएगा प्लेस आई डैश टू लिसन टू म्यूजिक आई लाइक बर्ड्स डैश लिव या लिवस इन ने तो बर्ड्स है इसलिए लिव दे डैश शॉप और शॉप इन द मार्केट शॉप आवर टीचर डैश सिट और सिट्स इन दिस रूम आवर टीचर्स सिट ओके नेक्स्ट आप देखिए फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअसटेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स तो सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो फार्मूला है वो आना चाहिए टेंस की एक अलग से चैनल पे प्ले लिस्ट है वो डेफिनेटली आप देखिए ओके जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि टेंस कैसे बनते हैं कैसे आप फार्मूला याद कर सकते हैं मैं जो टेंस की प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो हमारा फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो होते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब वो हम यूज करते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है जैसे जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होगा ठीक है तो फर्स्ट जो हमारा है वो है आई डैश ऑन द फोन तो आई है आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम और आर तो इसमें हमने बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं कि आई के साथ हम एम यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक दी हुई है और उसके साथ हमें लगाना है आई एन जी तो आई एम स्पीकिंग ओके आई एम स्पीकिंग ऑन द फोन सिमिलरली आप देखिए दे डैश टू कैच द बस तो रन है दे के साथ आएगा दे आर और कैच का बन जाएगा कैचिंग दे यहां पे रन दिया हुआ है ना तो रनिंग दे आर रनिंग टू द टू कैच द बस नेक्स्ट आप देखिए आई डैश ऑन द पेमेंट आई एम वॉकिंग ठीक है एम वॉकिंग मनु डैश फॉर हिज लॉस्ट फोन तो मनु इज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट फोन नेक्स्ट देखिए शी डैश बिफोर द ऑडियंस शी इज डांसिंग नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए राइड सिंपल पास फॉर्म ऑफ द वर्ब बहुत ही सिंपल है आपको सेंटेंस फॉर्म नहीं करना है सिंपली जो यहाँ पे वर्ड है उसका पास फॉर्म लिखना है ठीक है का हो जाएगा, ये आपको लर्न करने होते हैं कि कौनसो में डी लगा है किसमें ईडी लगा है किसमें वाई को निकाल के आई लग गया है और कुछ इरेगुलर होते हैं जैसे गो का वेंट बन जाता है कम का केम डू का बन जाता है डिड ठीक है तो ये आपको लर्न करने होंगे जो हमारे वर्ब के फॉर्म्स हैं रेगुलर और इरेगुलर इस पे भी अलग से वीडियोस हैं लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स विद डू डज और डिड तो डू डज और डिड से ही आपको ब्लैंक जो है वो फिल करना है सानिया डैश नॉट कम टू क्लास यस्टरडे बात कब की हो रही है पहले की सो वी आर यूजिंग डिड हेयर ठीक है वी डैश नॉट नो अबाउट द इंसिडेंट वी डू नॉट नो ही डैश इज क्लास वर्क केयरफुली ही डज हिज क्लास वर्क केयरफुली डैश यू नो हर नेम ओके डू यू नो हर नेम द मजिशियन नोट शो एनी ट्रिक्स लास्ट नाइट डिड नोट क्योंकि लास्ट नाइट की बात हो रही है इसमें भी वही है कि जब हम पहले की बातें करते हैं तो हम डिड यूज करते हैं ओके और अगर हम अब की बात कर रहे हैं और सिंगुलर है तो हम डज यूज करते हैं प्लूरल है तो हम डू यूज करते हैं यू के साथ भी हम डू यूज करते हैं ओके एंड आई के साथ भी हम डू यूज करते हैं नेक्स्ट आप देखिए ये जो डू डज है इस पे भी आपको इंडिविजुअल वीडियो डिटेल में चैनल पे मिल जाएगा आप देख सकते हैं नेक्स्ट आप देखिए मैच है ये एक बेसिक क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में नहीं आते हैं बट बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि मैंने कुछ यहाँ पे वर्ब्स लिखे हैं और कुछ इस साइड में टेंस लिखे हैं तो वर्ब्स को देख के आपको पहचानना है कि कौन से टेंस में ये आते हैं जैसे कम और कम्स कौन से में आएंगे ये आएंगे हमारे सिंपल प्रेजेंट में ऐसे केम जो है वो सिंपल पास्ट का है इज कमिंग जो है वो वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का विल कम है हमारा सिंपल फ्यूचर का नेक्स्ट देखिए वाज कमिंग और वर कमिंग है हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस के इस टाइप से नेक्स्ट देखिए अंडरलाइन द नाउन एंड सर्किल द वर्ब जो नाउन है उसको अंडरलाइन कर देना है और वर्ब को हमें सर्किल कर देना है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द मंकी ईट्स बनाना तो यहाँ पे मंकी जो है ये है हमारा नाउन और ईट्स जो है वो है हमारा वर्ब एंड बनाना इज अगेन नाउन तो ऐसे अशोका फ्लाइज काइट्स तो अशोका जो है वो नाउन है काइट्स भी नाउन है फ्लाइज जो है वो वर्ब है नेक्स्ट आप देखिए दे डोग इज वेगिंग इट्स टेल तो डोग नाउन है इज वेगिंग जो है पूरा ये हमारा वर्ब है टेल जो है ये भी नाउन है मोहिनी इज रनिंग फा मोहिनी है वो नाउन है, is running, पूरा हमारा वर्ब है. और फा जो है यहा पे किस ये क्या है ये एडजेक्टिव है ठीक है मीना इज ब्लोइंग ए बेलून तो मीना और बेलून तो दोनों नाउन है इज ब्लोइंग जो है वो हमारा यहाँ पे वर्ब है इस टाइप से आपको ये जो पूरे क्वेश्चंस हैं वो करने हैं ये थी आज के हमारी की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई होप आपको अच्छी लगी होगी आपके लिए यूजफुल रही होगी और भी किस किस टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते